Hello everyone, once again welcome to our channel IndusInger, and today we will discuss on the topic of advanced rule of noun. यहाँ पे मैंने 12 sentences लिखे हुए हैं जो आपको अपने you have to write first these sentences in your copy. अब जब आप इस सेंटेंस को इन सेंटेंसेस को अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे, फिर अपनी कॉपी में देखें कि कैसे एक एक में मैंने आपको बता ही दिया है कि नाउन की आपको इसमें एरर फाइंड करनी है. तो इसमें देखिए नाउन कहाँ है, नाउन के अकॉर्डिंग क्या वर्ब है. अब मैंने इतने शॉर्ट सेंटेंसेज में एडवांस रूल बोला है, तो इसमें आप नाउन देखेंगे तो नाउन के अकॉर्डिंग वर्ब है कि नहीं. तो मैंने दोनों को मिला करके दिया, ऐसा नहीं है कि सिर्फ नाउन है तो आपकी वर्ब ठीक होगी, ठीक है, क्योंकि शॉर्ट सेंटेंसेज थे तो आप थोड़ा सा दिमाग लगा करके करेंगे. फर्स्ट सेंटेंस लेते हैं, आई ब्रिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट. सेंटेंस कह रहा है मैंने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स मार्केट से लिए. तो जब आप इसको हिंदी में बोलेंगे तो क्या आप ऐसे बोलेंगे कि मैंने फलों और सब्जियां मार्केट से ली, ऐसे नहीं. आप बोलेंगे मैंने फल और सब्जियां मार्केट से ली. अब इसी को इंग्लिश में कर दीजिए, फल और सब्जियां, तो आप फ्रूट एंड वेजिटेबल्स बोलेंगे. अब यहाँ पे थोड़ा सा आपका प्रोनाउंस ठीक कर दें, बहुत बच्चे वेजिटेबल्स बोलते हैं तो वो गलत होता है. कभी भी वेजिटेबल्स प्रोनाउन करना है, वेजिटेबल्स नहीं. आई अगेन रिपीट, जैसे बच्चे बोलते हैं कि वेजिटेबल्स, छोटे बच्चे जैसा बोलना स्टार्ट करते हैं बड़े तक वैसा ही बोलना स्टार्ट करते हैं. तो थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपका प्रोनाउंस ठीक कर दूँ, वेजिटेबल्स होता है, वेजिटेबल्स नहीं, ठीक है. तो यहाँ पे फलों और सब्जियों को खरीदा नहीं, फल और सब्जियों को खरीदा. तो ऐसे ही इंग्लिश में करेंगे तो यहाँ पे फ्रूट एंड वेजिटेबल्स आएगा, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स नहीं. आई अगेन रिपीट, आई ब्रिंग फ्रूट एंड वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट, ठीक है. तो यहाँ पे आप इसको फ्रूट को फ्रूट्स नहीं रखेंगे, फ्रूट रखेंगे. डन. नेक्स्ट, देर इज नो स्पेस इन द कार. इस वाले सेंटेंसेस में बच्चे बहुत फंसते हैं, समझ नहीं आता है कि रूम होगा, स्पेस होगा, क्या होगा. तो आप इसको इस तरीके से समझें, स्पेस मतलब क्या होता है. स्पेस के कई मीन्स होते हैं, स्पेस मतलब अंतरिक्ष भी होता है, स्पेस मतलब खाली जगह भी होता है, स्पेस मतलब लोन वाला भी यूज़ होता है कि अकेला चाहिए, मुझे स्पेस चाहिए. तो यहाँ पे जो स्पेस यूज़ हुआ है, यहाँ पे ये जब किसी स्थान पे रहने के लिए कार, जैसे यहाँ पे यूज़ हो रहा है कार, कि कार में कोई जगह नहीं है. तो आप बच्चे सोचते हैं रूम कैसे हो सकता है, रूम तो कोई वर्ड हुआ नहीं. तो रूम के भी बहुत सारे मीन्स होते हैं, इसीलिए यहाँ पे रूम फिक्स होता है. जैसे रूम का मतलब सिर्फ कमरा नहीं होता है, रूम का मतलब होता है कि खाली जगह. तो ये कहना चाह रहा है सेंटेंस कि कार में खाली जगह नहीं है, इसलिए यहाँ पे वी हैव टू यूज़ रूम. स्पेस की जगह हम लोग रूम यूज़ करेंगे. क्यों? क्योंकि रूम का एक और मतलब होता है, जिसका मतलब है कि आप यूज़ कर रहे हैं कि खाली जगह नहीं है, ठीक है. नेक्स्ट सेंटेंस है, शी लेफ्ट फॉर दिल्ली बाय 8:30 o'clock बस. अब यहाँ पे देखिए, जब आप 8:30 यूज़ कर रहे हैं, एग्जैक्ट पॉइंट तो है नहीं, एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है. एट एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब है कि यहाँ पे 8:30 दिया है. अगर आप 8:15, 8:30, 7:15 ऐसे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, 8:30, 8:45, 8:15 ऐसे, तो उसमें कभी भी ओ क्लॉक नहीं लगाते हैं, ठीक है. और यहाँ पे क्या है, ओ क्लॉक लगा हुआ है, यही एरर है. अगर यहाँ पे एग्जैक्ट होता 8 PM, 9 PM या फिर 8 o'clock, 9 o'clock ऐसे करके, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, तब आप ओ क्लॉक यूज़ करते हैं. लेकिन यहाँ पे दे दिया है 8:30, इसलिए यहाँ पे ओ क्लॉक नहीं होगा. बस यही एरर है इस वाले सेंटेंस में, ठीक है. नाउ नेक्स्ट, अमेजिंग स्टोरीज आर एन इंटरेस्टिंग बुक. इस वाले सेंटेंस में बच्चे क्या करते हैं, जल्दी जल्दी एरर्स करते हैं और उसमें ध्यान नहीं देते कि सेंटेंस कहना क्या चाह रहा है. तो यहाँ पे नाउन के अकॉर्डिंग वर्ब देखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं. तो यही आपको बस पेशेंटली देखना है कि सेंटेंस क्या क्या रहा है. अब देखिए, अमेजिंग स्टोरीज इज अ बुक नेम. तो यहाँ पे अगर आप इसको इन्वर्टेड कॉमा में कर लेंगे, अमेजिंग स्टोरीज, तो यहाँ पे अमेजिंग स्टोरीज इज अ नेम ऑफ अ बुक. तो यहाँ पे एक बुक का नाम है, इसलिए यहाँ पे इज यूज करेंगे, ना कि आर, ठीक है. इज एन इंटरेस्टिंग बुक. डन. नेक्स्ट, रोहन एंड मोहन्स हाउस इज वेरी फार फ्रॉम हियर. रोहन और मोहन का घर यहाँ से बहुत दूर है. तो जब भी आप इस टाइप का सेंटेंस पाएं अपने सेंटेंस शीट में, तो क्या करेंगे, जब भी आपको दो नाउन दिए हों और उनके घर की बात हो रही हो, तो बाद वाले नाउन को आप ये
एपोस्ट्रोफी में रखते हैं पहले वाले को नहीं, तो ये एरर है। इसमें आप करेंगे रोहन एंड मोहन्स हाउस, ना कि रोहन्स एंड मोहन्स हाउस, ये गलत होता है। दो सब्जेक्ट आपके दिए हो और उनके ही बारे में आगे बात कही गई हो, तो आप बाद वाले नाउन का एपोस्ट्रोफी बनाएंगे, तो हो जाएगा रोहन एंड मोहन्स हाउस इज वेरी फार फ्रॉम हियर। डन। नाउ नेक्स्ट, देयर आर मेनी न्यूज पब्लिश इन लोकल पेपर। अब देखिए, न्यूज दिया हुआ है तो बच्चे सोचते हैं कि मैनी यहाँ पे ठीक होगा, लेकिन नहीं, ये आपका अधूरा है। यहाँ पे आप करेंगे मैनी आइटम्स ऑफ न्यूज, ठीक है, क्योंकि न्यूज हमेशा सिंगुलर काउंट होता है। तो देयर आर मैनी आइटम्स ऑफ न्यूज पब्लिश इन लोकल पेपर, ठीक है। तो यहाँ पे आप न्यूज को खाली नहीं छोड़ेंगे, मैनी न्यूज नहीं होता है, मैनी आइटम्स ऑफ न्यूज होता है। डन। नेक्स्ट, द टीचर हैज स्टोर्ड द अल्फाबेट्स। बहुत ध्यान से करेंगे इसका, जिस बच्चे को मीन्स पता होगा सिर्फ वही कर पाता है। अब यहाँ पे देखिए, द सेंटेंस कह रहा है द टीचर हैज स्टोर्ड द अल्फाबेट्स, जिसको इसका मीन्स पता होगा इस वही सेंटेंस को कर पाएगा। एक मैं बोलूँ कि एक अल्फाबेट्स है और एक अल्फाबेट है, दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है, दोनों का डिफरेंस बहुत ध्यान से समझेंगे। अल्फाबेट्स जहाँ पे दिया रहता है वहाँ पे यूज़ होता है मीन्स उसका लैंग्वेज, ठीक है, और जहाँ पे अल्फाबेट यूज़ होता है इसका मतलब होता है लेटर्स ऑफ अल्फाबेट, ठीक है। अब सेंटेंस देखिए, कह रहे टीचर ने सिखाया, टीचर ने टोट किया क्या अल्फाबेट, तो उसने बहुत सारी लैंग्वेज नहीं सिखाई है टीचर ने, उन्होंने लेटर ऑफ अल्फाबेट सिखाया। तो यहाँ पे यही पॉइंट आपको याद रखना है, अल्फाबेट मतलब होता है लेटर ऑफ अल्फाबेट, मतलब ABCD, ठीक है, और अल्फाबेट्स मतलब होता है मैनी लैंग्वेजेस, ठीक है। तो यहाँ पे जब टीचर ने सिखाया तो वो बहुत लैंग्वेज नहीं सिखाएंगे, वो लेटर ऑफ अल्फाबेट सिखाएंगे, तो इसलिए यहाँ पे एस नहीं होगा, अल्फाबेट होगा, ठीक है। अल्फाबेट्स इज अ लैंग्वेज, मैनी लैंग्वेजेस। डन। तो इसको आप ऐसे करेंगे। नेक्स्ट, इज योर सीजर्स डन। देखिए, अब इस वाले सेंटेंस में बच्चे क्या गलती करते हैं, बच्चे सोचते हैं कि एस हटाएं, कि वर्ब को प्लूरल करें कि सिंगुलर करें। अगर आपके रूल याद है, अगर मान लीजिए ऐसी सेंटेंस आ गया और आपको चार ऑप्शन में किसी भी तरीके से उन्होंने एरर करके दिया, तो अगर बच्चों को ये नहीं पता है कि नाउन का एस लगाना है कि हटाना है, वर्ब को सिंगुलर करना है कि प्लूरल करना है, तो अगर वो करने पे आए तो वो क्या करेंगे, इसका आर कर देंगे, सीजर्स का एस का आर, एस यहाँ पे हटा देंगे। तो ये गलतियाँ होती हैं, रटना नहीं है, चीज़ों को समझना है। इसको मैं समझाती हूँ आपको कैसे आपको याद करना है। सीजर्स, जो भी चीज़ें आपकी टू पेयर में काम करती है वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में होती हैं और उनकी वर्ब भी प्लूरल लगती है। कैसे, जैसे मैंने यहाँ पे सीजर्स लिखा हुआ है, तो सीजर्स में हमेशा एस रहता है, क्यों, क्योंकि देखिए सीजर को आप जब दो पॉइंट से यूज़ करते हैं तो आप इससे सिर्फ कट नहीं कर सकते, आपको दूसरे पेयर की जरूरत पड़ेगी। सीजर्स हो गया, पैंट्स होता है तो आप एक साइड का पैंट नहीं पहन सकते, आपको दूसरे साइड का पैंट की जरूरत पड़ेगी, इसलिए वो पैंट्स हो गया। बायनाकुलर्स होते हैं, तो बाय जिस भी वर्ड में लग जाता है इसका मतलब होता है दो, तो बायनाकुलर्स दो की जरूरत पड़ती है। स्पेक्टेकल्स, गॉगल्स, इन सब में आपको यू हैव टू यूज एस लेटर, ठीक है। तो अब जब हम इसको दो पेयर में काउंट कर रहे हैं तो वर्ब भी तो प्लूरल होगी, तो यहां पे वर्ब आप लगाएंगे आर, ठीक है। आर यू सीजर्स डल। डन। नेक्स्ट, प्लीज रिप्लाई योर्स फेथफुली। अब यहाँ पे सेंटेंस में आप जैसे लेटर्स एप्लीकेशन भी लिखते हैं तो उसमें आप देखे होंगे कि यहाँ पे योर सील लिखा रहता है, वो एकदम सही है। बच्चे क्या करते हैं, ज़्यादातर जब आप सेंटेंसेस करते हैं तो ये जो योर्स फेथफुली है इसको भूल जाते हैं, ये कभी भी आप एपोस्ट्रोफी एस में नहीं लिखेंगे। आपका शुभचिंतक, तो इसका मतलब हुआ योर्स, आप ऐसे योर्स करेंगे, ऐसे नहीं, एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाना है आपको, योर के बाद एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगेगा जब होगा कि आपका शुभचिंतक, ठीक है। तो योर्स फेथफुली। नेक्स्ट, गिव मी 10 पाइसेस। पाइस मतलब क्या होता है, पैसे, तो मुझे 10 पैसे दो, तो पाइसेस नहीं होता है, पाइस होता है। कुछ कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनको पता नहीं रहता है मीन्स क्या होता है, बहुत छोटा उसका मीन्स होता है। अब जैसे कोई बच्चा पूछे पाइसेस क्या है, बहुत इजी है, पैसा है, अब उसको ये नहीं पता है कि पाइस होता है पाइसेस नहीं, तो इसमें यही एरर है कि पाइस में कभी भी एस नहीं लगाते हैं। डन। नेक्स्ट, शी ऑलवेज गिव मी एडवाइजेस, वो हमेशा मुझे क्या सलाह देता है, तो एडवाइजेस नहीं होता है, गिव मी, शी ऑलवेज गिव्स मी मैनी, या मैनी नहीं करेंगे तो ये कर देंगे पीसेज ऑफ एडवाइस,
ठीक है, तो शी ऑलवेज गिव्स मी पीसेस ऑफ एडवाइस होता है, और एडवाइस होगा, एडवाइजेस भी नहीं होगा, पीसेस ऑफ एडवाइस. डन. नेक्स्ट, दे आर फ्यू पीपल्स हु आर रियली ऑनेस्ट. दे आर फ्यू पीपल, कुछ ही लोग होते हैं जो ईमानदार होते हैं, ठीक है, तो कुछ ही लोग. अब इस पीपल वाले को बहुत ध्यान से समझेंगे, जब आपके वर्ल्ड के पीपल की बात होगी, द पीपल ऑफ द वर्ल्ड, तब आप यूज करेंगे द पीपल्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, बाकी और कहीं पे भी पीपल्स नहीं यूज होगा, द पीपल्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है. तो ये पीपल्स आप वर्ल्ड के लिए तो यूज़ करेंगे, लेकिन बाकी कहीं पे भी, जैसे द पीपल ऑफ इंडिया, द पीपल ऑफ अमेरिका, ऐसे ही यूज़ करेंगे, द पीपल्स ऑफ इंडिया, द पीपल ऑफ अमेरिका, वो गलत होता है. तो यहाँ पे देयर आर फ्यू पीपल्स, ये गलत होगा. यहाँ पे आप द देयर आर फ्यू पीपल हु आर रियली ऑनेस्ट, ऐसे यूज़ करेंगे सेंटेंस को और इस वर्ड को. पीपल्स नहीं करना है, पीपल करना है, ठीक है. तो देखा आपने, आज मैंने नाउन के आपको 12 सेंटेंसेस कराए जो एडवांस बेस्ड थे. मेरी पहली भी एक वीडियो नाउन पे बेस्ड है, एरर्स, उसमें मैंने बेसिक रूल्स आपको समझाए, ये थोड़ा और एडवांस है. तो ये फर्स्ट पार्ट है, आपको सेकंड पार्ट भी इसका आप देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें भी मेरे एडवांस रूल्स हैं. ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू.